एक शेरनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय भेड़ों का झुंड वहां से गुजरा और भेड़ चाल में वो शेर का बच्चा उसी झुंड के पीछे पीछे चल दिया। वो बच्चा भेड़ों के साथ ही रहने लगा और खुद को भेड़ समझने लगा। शेर के उस अनजान बच्चे को खुद पर विश्वास हो गया था कि वो एक भेड़ है। उसका चलना, फिरना, खाना सब भेड़ों के समान हो गया। इस बच्चे को सपने में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक शेर है। होता भी कैसे, उसने कभी शेर देखा ही नहीं था। न वो कभी शेरों की तरह लड़ा और न वो कभी शेरों की तरह दहाड़ा। वो तो बस एक झुंड के पीछे पीछे अपना जीवन बिता रहा था। समय के साथ साथ वो बच्चा एक जवान और बड़ा शेर बन गया। लेकिन भेड़ भी उससे डरती नहीं थी। जैसे वो भेड़ों का आदी हो गया था, वैसे ही भेड़ भी उसकी आदी हो चुकी थी। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला किया। हमला करते वक्त बूढ़े शेर ने जो देखा, उसे देखकर उस बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब उसने एक जवान शेर को भेड़ों के साथ चरते और भागते हुए देखा, एक बार तो उसे लगा कि दुनिया बहुत बदल रही है। लेकिन क्या इतनी बदल रही है कि शेर भेड़ों के साथ घास चरने लगे? फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बूढ़े शेर ने एक दिन भेड़ों वाले शेर को पकड़ने की ठानी। जब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ा तो वो भेड़ की तरह मिमियाने लगा और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। बूढ़े शेर ने बोला, अरे बेवकूफ, मुझसे डरते क्यों हो? वो युवा शेर रोते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक मासूम भेड़ हूँ, कृपया मुझे घर जाने दो। बूढ़े शेर को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मामला क्या है। बूढ़ा शेर उस युवा शेर को खींचकर झील के किनारे ले गया और बोला कि रोना बंद करो, देखो पानी में हम दोनों दिख रहे हैं। पहले मेरा चेहरा देखो, फिर अपना चेहरा देखो। पहले मेरा शरीर देखो, फिर उस पानी में अपना शरीर देखो। जैसे ही उस युवा शेर ने पानी में देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसने देखा कि वो तो बहुत बड़ा और ताकतवर है। कुछ ही पलों में उसने अपने अंदर शक्ति और विश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। अचानक उसका सीना चौड़ा हो गया और शेर की चाल बदल गई। तब उस युवा शेर ने बहुत तेज दहाड़ लगाई। उस युवा शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उस शेर के अंदर भेड़ का भूत पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने खुद को पहचान लिया था। जैसे ही उस शेर के अंदर आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान बदली, वैसे ही मात्र कुछ ही क्षणों में शेर की पूरी जिंदगी बदल गई। आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान हमारे कई सारे बिलीफ सिस्टम का गुच्छा है कि भाई मैं तो भेड़ हूँ और इतनी ही ताकत है मुझ में और मैं इसी तरह का सस्ता जीवन जीने वाला हूँ। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके बिलीफ सिस्टम को भी अपना लेते हैं। जीवन के अनुभव और पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमारी आइडेंटिटी बनती है। कंफर्ट जोन ऐसी स्थिति है कि हम सपने में भी नहीं सोच पाते कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत छिपी हुई है। जिस दिन हमारे सामने से पर्दा उठेगा, उस दिन हमको पता लगेगा कि अरे मैं तो पहले से ही वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। जिंदगी बदलने के लिए हमको आइडेंटिटी बदलनी है। आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है, एक बार खुद को पहचान लो कि मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ, तब एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब ये हम करेंगे कैसे? जो भी आप बनना चाहते हो वो मान लो कि आप पहले से ही बन चुके हो। मान लो कि आप बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आंख बंद करके देखो कि वो आप बन चुके हो। एक सफल कंपनी और बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हो। आपका समय कीमती हो चुका है। जब आप आंख खोलोगे तो आपका मन करेगा कि मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करूं। इसी तरह विजुलाइजेशन, एक्शन और रिपीटेशन से आइडेंटिटी बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।